एक अच्छी हैंडराइटिंग आपके एग्जाम के लिए कितना वैल्यू रखता है ये बात आप अच्छे से जानते हो। आपकी अच्छी हैंडराइटिंग के कारण 10 से 15 नंबर आपके एग्जाम में बढ़ सकते हैं। हमने काफी रिसर्च की और उन टीचरों से भी पूछा जो एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, और हमने जाना कि उन स्टूडेंट को ज्यादा नंबर देते थे जिनके हैंडराइटिंग अच्छे होते थे, और कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग इतनी खराब होती है कि हमें उनके कॉपी चेक करने का मन ही नहीं करता। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो टेंशन नॉट, हम है ना, हम बताएंगे आपको कि हैंडराइटिंग कैसे सुधारनी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, लेटर साइज। हम लिखते वक्त कई सारे लेटर्स को छोटा या बड़ा लिख देते हैं, जिसके चलते हमारी हैंडराइटिंग कुछ इस तरह हो जाती है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए लिखते टाइम इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि कोई भी लेटर ना ज्यादा बड़ा हो और ना ही ज्यादा छोटा। इसके ठीक करने के लिए लेटर्स को लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 7, वर्ड अलाइनमेंट। अगर लिखते वक्त आपके भी वर्ड अलाइनमेंट कुछ इस तरह होती है, वर्ड्स ऊपर नीचे या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो इससे भी आपको ठीक करना होगा। इसलिए लिखते टाइम वर्ड्स को एक सेंटर में लिखें, जिससे आपकी हैंडराइटिंग देखने में अच्छी लग सके। इसके लिए आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है कि उनके वर्ड्स अलाइनमेंट सही नहीं होती है। इसलिए इसे जल्द से जल्द सुधारना होगा। नंबर 6, गैप्स बिटवीन वर्ड्स। अगर वर्ड्स के बीच गैप्स नहीं होंगे तो हमारी हैंडराइटिंग कुछ ऐसी दिखेगी। फास्ट लिखने के चक्कर में हम वर्ड्स के बीच गैप देना भूल जाते हैं, या फिर गैप ज्यादा हो जाती है। इसलिए लिखते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वर्ड्स के बीच गैप हो, लेकिन गैप ना ज्यादा हो और ना ही कम। अगर वर्ड्स के बीच अच्छी खासी गैप छोड़ के लिखते हो तो इससे आपकी हैंडराइटिंग में 4 चांद लग जाते हैं और आपकी लिखावट में काफी सुधार हो जाती है। इसलिए लिखते वक्त गैप जरूर दे। नंबर 5, बैठने का तरीका। सबसे पहले लिखते टाइम हमें बैठने के तरीके को सुधारना होगा, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखते हैं तो इससे हमारे लिखने के तरीके में इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती। बैठने की पोजीशन अगर सही है तो हम एक अच्छी हैंडराइटिंग बना सकते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई लोग अपने कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं, ऐसे में उनकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। इसलिए लिखते टाइम पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर ही बैठे और अपने शोल्डर्स को थोड़ा आराम और रिलैक्स करें, उसके बाद लिखना शुरू कर सकते हैं। नंबर 4, हमारी हैंडराइटिंग कैसी होगी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप पेन को कैसे पकड़ते हो। अगर आप पेन को ज्यादा जोर से पकड़ोगे तो आपकी उंगलियों में दर्द हो जाएगा और ज्यादा दबा कर लिखने से आपकी राइटिंग पीछे की तरफ छप जाएगी। इसलिए लिखते टाइम पेन को आराम से और कंफर्टेबल हो के पकड़ो। नंबर 3, राइटिंग स्पीड। जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में हमारी हैंडराइटिंग खराब होने लगती है, जिसके चलते एग्जाम में अच्छा इम्प्रेशन नहीं दे पाते हैं। और ये बात आपके साथ ही नहीं, हमारे साथ भी हुआ करती थी। हम एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड पेज तो अच्छे लिखते थे, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता उससे हमारी राइटिंग भी खराब होने लगती थी, जिससे हमारा इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता था एग्जाम्स में। इसलिए शुरुआत में आपको धीरे धीरे लिखना है, और जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होने लगे तो अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, जिसके कारण स्पीड में लिखते टाइम आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ेगी नहीं और आप एग्जाम को टाइम पर लिख सकते हो और अच्छे से मार्क्स भी ला सकते हो। नंबर 2, डोंट यूज डिफरेंट पेन। लिखते वक्त हम कई तरह के पेन का यूज करते हैं। हर बार अलग अलग पेन यूज करने से आपकी हैंडराइटिंग में फर्क आ जाता है, किसी में मोटा तो किसी में पतला, जिसके चलते हाथों की ग्रिप भी नहीं बन पाती। इसलिए एक ऐसे पेन का यूज करें जिससे आप हर बार लिखते हो। ऐसा करने से उस पेन पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी और एग्जाम के टाइम में इस पेन का यूज करें, ताकि आपकी हैंडराइटिंग में कुछ फर्क ना दिखे और आप कंफर्टेबल फील कर। नंबर 1, प्रैक्टिस। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हारा वही है जिसने कोशिश ना की हो। इसलिए हमें बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। जितना ज्यादा हो सके उतना लिखो। हर रोज 2 पेज लिखने की आदत बनाओ।
और देखना एक वीक के अंदर ही फर्क देखने को मिलेगा। आप जितना लिखते जाओगे आपकी हैंडराइटिंग उतनी ही अच्छी होती जाएगी, इसलिए हर रोज लिखने की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।